नमस्ते फ्रेंड्स, मोना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी एक्सरसाइज रहेंगी, इसमें हम आर्म की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे, बल्कि हमारा लेग्स का एक्स्ट्रा फैट एंड थाइस का एक्स्ट्रा फैट है, एंड हमारा स्टमक का जो एक्स्ट्रा फैट है उस पे हमारा आज का वर्कआउट रहेगा। एंड जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा वो तो बर्न होगा ही, बल्कि हमारा कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा, मसल स्ट्रांग बनेंगे, प्लस हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो है पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि मिलने वाले जो बेहतर रिजल्ट्स वो मिस हो जाएंगे। तो मेरा जो पहला एक्सरसाइज रहेगा, हम स्क्वाट करेंगे, ठीक है। आपने लेग्स को इक्वल डिस्टेंस में वाइड करना है, इससे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे अपने हैंड्स को थाइस पे रखना है एंड थोड़ा थोड़ा रोटेट करना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एंड साथ में फिर हम ट्विस्ट भी करेंगे रोटेट करते हुए दोनों साइड से। तो इस तरह से सर्कल कंप्लीट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, धीरे धीरे रोटेट करें। 8, 9, 10, 10 more, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। थोड़ा सा हैंड्स को ऐसे आप थाइस पे रखें एंड थोड़ा सा डीप स्ट्रेच करें। इससे क्या होगा कि हमारा इसमें हिप्स फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, थाइस एंड लेग्स का जहाँ जहाँ जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा, पूरी बॉडी में जो है और मसल्स जो है स्ट्रोंग बनेंगे। तो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के क्या करना है, आपने 20-20 के 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज रहेगा, आपने ऐसे फिंगर्स के टोस के अपना वेट डालना है, ठीक है। एंड एक लेग को आगे रखते हुए एक लेग को आपने पीछे रखना है, ठीक है। ऐसे अश्व संचालासन में जैसे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक तो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा एंड थाइज एंड लेग्स का जहाँ जहाँ का भी एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा। लेग्स को अप करें एंड होल्ड रखें, अपने मीन सामने की तरफ देखें, नीचे की तरफ ना करें। लेग्स को थोड़ा अप करें, इसे थोड़ा सा अप करें एंड होल्ड करें 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत साइड से रिपीटेशन होना चाहिए। एंड जो हमारे पैर का जो डिस्टेंस रहेगा, हाथ एंड दोनों हाथों एंड पैर बीच में रहेगा, दोनों हाथों के बीच में। लेग्स को थोड़ा सा अप करें एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड सामने की तरफ देखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि इसमें हमारा लेग्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा एंड जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने क्या करना है, 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, हम प्लैंक करेंगे। प्लैंक करते हुए आपने क्या करना है, अपने बॉडी को स्टेबल बनाना है, ठीक है। आपके हैंड जो है शोल्डर के अलाइनमेंट में रहना चाहिए ताकि हमारा वेट जो है रिस्ट पे आए एंड अपने पैरों पे जो टोज है थोड़ा सा आगे की तरफ करते हुए हमारा पूरा वेट जो है इस पर रहेगा, जिससे क्या है कि हमारा लोअर बॉडी जो है अनबैलेंस नहीं होगा। थोड़ा सा बॉडी को ऊपर उठाएं एंड पैरों के टोज पे रखते हुए थोड़ा सा यूज करना है एंड होल्ड करना है, सामने की तरफ देखना है, काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। इसे थोड़ा सा अपने इसका सहारा ले लें वापिस। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगा और स्ट्रेंथ मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, प्लस हमारा रिस्ट का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, आर्म स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा एंड जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट होगा इससे बर्न होगा। तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के आपने 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं,
5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है, हम हाफ नी पुशअप्स करेंगे। अपने दोनों लेग्स को ऐसे आपने क्रॉस करना है, अलाइनमेंट को शोल्डर के अलाइनमेंट में रखना है, ठीक है। सामने की तरफ देखते हुए बेंड अपने एल्बोज करें एंड अपने हेड को डाउन करते हुए अप करना है। वैसे आपने इस तरह से सर्कल कंप्लीट होगा। इससे हमारा आर्म का स्ट्रेंथ, अगर बड़ा हुआ एक्स्ट्रा आर्म पिट का फैट है वो भी इसे बर्न होगा, बल्कि हमारा अपर बॉडी में और मसल्स इससे स्ट्रोंग बनेंगे। 1 2 फटाफट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। होल्ड, वापस। तो हमने ये वाला एक्सरसाइज किया, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज से भी क्या करना है, 20-20 के 5 सेट्स करने, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा एक्सरसाइज रहेगा, हम बद्धा कोणासन आसन करेंगे, मीन्स बटरफ्लाई आसन करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारा हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, लोअर बॉडी का जैसे थाइस एंड लेग्स का जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट वो बर्न होगा। अगर आप करते हैं तो अदर हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके जो नीज हैं लेग्स ऐसे ऊपर उठे हो सकते हैं या ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पैरों को ज्वाइन करना है, होल्ड करना है एंड ये ऐसे आपने रोटेट करना है, ठीक है, थोड़ा फ्लाई करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि टाइम लगे, तो आप 30-40 बार करेंगे तो अपने आप ही ये डाउन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। काउंट करेंगे 1 2 3। सामने की तरफ देखना है, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सामने की तरफ देखते हुए पीठ बिल्कुल सीधा, बॉडी को रिलैक्स रखें। 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। अभी ये काफ़ी डाउन हो गया है, हम थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है। एंड धीरे से अपने अपने नीज पे ऐसे हाथ रखना है एंड आगे की तरफ करते हुए बॉडी को धीरे धीरे डाउन करना है, जितना डाउन कर सकते हैं, ज़बरदस्ती पुश ना करें, आराम आराम से करना है। एंड फ्लोर पे टच करना है अपने नोज को, पहले नोज को टच करें, फिर लिप्स को एंड फिर चिन को। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। धीरे से वापस आना है एंड रिलैक्स, लेग्स को ज्वाइन करें, जबरदस्ती नहीं करें, आराम आराम से एंड वापस नॉर्मल पोजिशन में बैठना है। तो ये वाला जो आसन है बहुत अच्छा आसन है, इससे जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट होगा वो तो बर्न होगा ही, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी एंड कोर मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, अपने दोनों लेग्स को इक्वली आपने ऐसे अपार्ट करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका इतना हो या फिर उससे भी ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिनकी लेग्स बहुत मोटी हैं या फिर आपका थोड़ा भी स्ट्रेचिंग नहीं आप करते हैं तो रेगुलर करें, जिससे क्या है कि आप बेड पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हो रहा है तो मुश्किल है, आपने ये सोचना है कि मुझे करना है, ठीक है। बट आपने अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है और फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड ही फूड खाएं जितना हो सके, मींस घर का बना हुआ खाना खाएं। एंड आप अगर ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं या ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं या फिर ज़्यादा सॉल्टी, तो प्लीज़ इनको थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करें, नहीं तो क्या होगा कि और एक्स्ट्रा फैट गेन होगा। एंड सात्विक खाना जितना लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड लेग्स को ऐसे वाइड करते हुए, ठीक है, इसे हम दोनों हैंड्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे, अपनी बॉडी को जो है ऐसे हम चक्की चलासन करेंगे, धीरे से आगे आते हुए पीछे जाएंगे, ठीक है। या तो आप फोल्ड कर सकते हैं एल्बोस, नहीं कर सकते हैं तो ऐसे आप पीछे जाते हुए
आपने आगे की तरफ आना है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा सर्कल। सांस लेना है एंड फिर सांस छोड़ देना है, ठीक है। 1 2 इससे क्या होगा कि हमारा पेट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, थाइज लेग्स आर्मपिट का जो एक्स्ट्रा फैट बर्न होगा, प्लस हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। 4 5 आगे तरफ आते हुए पीछे जाना है। 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बोन लेग्स को ज्वाइन करें। आपको काफी अच्छा फील होगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे चक्की चलासन। इससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, अगर आप ये आसन करते हैं तो उसमें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। पर रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ, आज के आसन में बस इतना ही। ये वाला जो एक्सरसाइज आपने के करना है 20-20 के जो है 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। आई होप आज का जितना भी मेरा वर्कआउट था आपको काफ़ी हेल्प करे एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, प्लस कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बहुत सारे तो आप कोई भी आसन एक ले सकते हैं, उसकी जो टाइमिंग है बढ़ा सकते हैं 100 टाइम करें। अगर आप मॉर्निंग में अगर कर रहे हैं तो खाली पेट करें, आफ्टरनून एंड इवनिंग में जब आप कर रहे हैं तो कम से कम जो खाने का जो गैप रहना चाहिए 3 से 4 घंटे का गैप बना के रखें। एंड आप 1-2 घंटा वॉक जरूर करें और हेल्दी डाइट लें, फाइबर एंड प्रोटीन से रिलेटेड फूड लें और घर का बना हुआ ही खाना खाएँ, हरी पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करें एंड एक्सरसाइजेस करते रहें। खूब मोटिवेट रहने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और खुश रहें, एक्सरसाइजेस करते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ या जब भी लाइव आती हूँ तो आप उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, आप देख पाएंगे। और वीडियो कैसा लगा है लाइक करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट एंड शेयर करें। और फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे फिट स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। आपका थैंक यू।